आपके सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जो कि थोड़ी बहुत डेकोरेशन का और चीज़ें घर में सेटअप की हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सोफे के साथ वाली वॉल थी जो कि बड़ी सैड किस्म की लग रही थी, कोई डेकोरेशन पीस नहीं था, तो सोचा चले आज इसको डेकोरेट करते हैं। सूरज बहुत ज़बरदस्त निकला हुआ था बहुत दिनों की सर्दी के बाद। और एक ये वाली जो सी वॉल तो नहीं कहूँगी, एक टीवी के साथ वाला एरिया था जहाँ हमने फ्रिज रखी हुई है। यूजली फ्रिज की जगह किचन में होती है, लेकिन उन्होंने जो साइज़ रखा हुआ था, हमारी फ्रिज उससे बड़ी थी, तो हमें ये आउटसाइड रखनी पड़ी टीवी लाउंज में। इसके साथ आपको नज़र आ रही है केबल, ये एरिया बिल्कुल खाली है। बहुत अरसे से सोच रही थी इधर कुछ सेटअप करूँ, कुछ समझ नहीं था आ रहा। हर चीज़ जो सी सेट थी लेकिन इस कॉर्नर की समझ नहीं थी आ रही। खैर आज इसकी भी थोड़ी बहुत समझ लगी है, तो आज इसको भी डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक साइड टेबल ली है जिसके ऊपर दो शेल्फ में बनी हुई है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं ली है क्योंकि रेंटेड हाउस है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते डेकोरेशन पे। कब आपको मूव होना पड़ जाए और जहाँ आप जाएँ वहाँ पे इन चीज़ों की जगह हो या ना हो, तो ये 15 पाउंड की ये मिली थी और 12 पाउंड की ये वाली टेबल्स थी जो सोफे के साथ वाले कॉर्नर के लिए मैंने ली थी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब। अब इसको मैं जल्दी से असम्बल कर लूँगी। इसकी असम्बल जो सी बहुत ही ज़्यादा ईजी थी, इसके लिए कोई भी स्क्रू वगैरह नहीं थे चाहिए, बहुत इजी थी। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती हैं, इन चीज़ों को असम्बल करना, इनको मूव करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। बबल रैप में जो सी रैप थी क्योंकि पेंटेड होती हैं। उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शन थी जो कि बहुत ज़्यादा इजी थी। ये भी बबल रैप के अंदर था, तो ये जो बबल रैप है अब भी इनको बजाने का या फोड़ने का इतना मज़ा आता है। इसको मैंने साइड पे रख लिया, चलिए बाद में जो सा इसके साथ खेलेंगे। यार यहाँ पे इसका स्टैंड दरमियान में से जुड़ा हुआ था और साइड पे इसके क्लिप पर जो सा आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी हुक में डाल देना है और टेबल आपके असम्बल होगी। साथ में इसके टॉप पे ये ट्रे चली जाएगी, ट्रे को जो साइड के कॉर्नर है वहाँ से जो सी सपोर्ट मिल रही है बिल्कुल नहीं हिलती है। यहाँ पर हमारी जो सी एक साइड टेबल है बिल्कुल तैयार है, इसको डेकोरेट करते हैं। यहाँ पर मैंने ह्यूमिडिटी फायर लिया जो कि बहुत अरसे से लेके रखा हुआ था, वो रखा है मैंने। और साथ में इसके जो ये ग्लास जार है इनमें कलर्ड वाटर है, फूड कलरिंग वाला, वो मैंने रखा है ताकि इस पर अच्छा सा कलर देखने को मिले। उसके बाद एक फेक प्लांट रखा है और साथ में ये जो सी है ट्रे कह लें आप इसको, ये हाइट के लिए रखी है क्योंकि ह्यूमिडिटी फायर का रिमोट भी है वो भी इसके अंदर जाएगा। आप देख सकते हैं सिर्फ इतनी सी चीज़ें रखने से जो डेड कॉर्नर था वो कितना खूबसूरत लगने लग गया। चले हैं दूसरी टेबल की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ थोड़े से बहुत जो से स्क्रू थे वो चाहिए थे, उन्होंने बैक में दिए हुए थे। साथ में इंस्ट्रक्शन थी एलन की सी जिसके साथ स्क्रू टाइट करने थे, बहुत इजी था। तकरीबन 5 मिनट में जो सी टेबल हमारी असम्बल हो गई। इसको मैंने डेकोरेट किया था कुछ बुक्स के साथ। और इसके ऊपर जाएगा स्पाइडर प्लांट, ये इतना पुराना है तकरीबन इसको 9 साल हो चुके हैं, मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है और आज भी उतना ही खूबसूरत है। साथ में इसके जाएंगी कैंडल, साथ में इसके जाएगा एक और प्लांट। आप यकीन करें थोड़ी सारी ग्रीनरी ऐड करने से ये वाला जो साइड है इतनी रौनक वाली लगने लग गई ना, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला प्लांट। मुझे ग्रीनरी ऐड करने का बहुत शौक है लेकिन सम टाइम आपको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा पौधा कौन सी चीज़ के साथ जाएगा, यही मेरी समझ में आई, लेकिन जब मैंने रखे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। घर के काम ख़त्म, आए चलते हैं कनाडा की सैर करते हैं। ये मैंने ही, ये मेरे हस्बैंड ने ली हुई हैं क्लिप्स। मेरे हस्बैंड को वर्क ट्रिप के लिए कनाडा जाना था, तकरीबन वो 6 डेज के लिए गए थे, तो उन्होंने मुझे ये क्लिप भेजी। वो वैंकूवर गए थे, कह रहे थे इतना खूबसूरत है कि जितना सोचा भी नहीं था, क्योंकि कनाडा का सोचते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ वही आती है कि स्नो होगी, आइस होगी हर तरफ, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को स्नो पसंद नहीं है। तो लेकिन कहते हैं जब मैं वहाँ गया इतनी ग्रीनरी थी, कोई जो सी स्नो नहीं थी, हर चीज़ ज़बरदस्त थी। यहाँ पर बन के जो सा पानी भी था, कहते इधर आई थिंक रिवर साइड है, बहुत क्लियर था। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है, नेचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मोस्टली जो सी वीडियोज़ हैं आपको ग्रीनरी और इस तरह की चीज़ों से ही नज़र आएंगी।
हालांकि जनवरी चल रहा था जब हस्बैंड गए थे, तो इस मौसम में ग्रीनरी कहीं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। अब यकीन करें, मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने पहली दफ़ा सर्दियों में इतनी ग्रीनरी जून से इंजॉय की है। अल्लाह ने जो से दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, हम ही इंसान हैं जो से इसकी खूबसूरती को खूबसूरत नहीं रहने देते हैं। हमारा पाकिस्तान भी बहुत प्यारा है, लेकिन जब भी जाएं आप यकीन करें, सोए गंद के पोल्यूशन की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। किन्होंने किया? हम लोगों ने खुद ही किया। इन लोगों ने ही खुद ये चीज़ें साफ़ रखी हुई हैं। जब तक हम खुद कुछ नहीं ना करते हैं, कोई आपके लिए कोई जगह साफ़ नहीं करने वाला। हम पाकिस्तान में ये चीज़ें देखने के लिए मरी साइड में नॉर्थर एरियाज़ में जाते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते कि जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको साफ़ रखें। अगर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, एटलीस्ट साफ़ होगा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। हज़ार बीमारियाँ जो उनसे इस गंदगी से लगती हैं, लेकिन हम लोग हैं कभी इस चीज़ को गौर ही नहीं करते। घर तो साफ़ कर लेंगे, गली मोहल्ले सड़कें जो उनसे हमारी गंद से ही भरी रहती हैं। ये है फ्राइडे का दिन जब हस्बैंड वापस आ गए थे, उनके लिए स्पेशल थाली बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जितने दिन वहाँ रहे हैं आउटसाइड से ही फूड खाया है, और बहुत ज़्यादा हलाल ऑप्शन नहीं थी। या टर्किश फूड था या अफगानी फूड था, वो आपको पता है वैसा स्पाइसी नहीं होता जैसे हम पाकिस्तानी खाते हैं। तो मैंने सोचा चले आज इनको खुश किया जाए, स्पेशल थाली इनके लिए बनाई जाए। सबसे पहले मैंने जो सी रखी हैं भिंडियाँ, साथ में आलू गोश्त जो लैम के साथ मैंने बनाया था, साथ में थी चिकन और दाल, साथ में एक पराठा था, एक नान था, कबाब थे, और साथ में मेरे हस्बैंड की फेवरेट बिरयानी थी। आप घर आएँ और आपको अच्छा सा खाना मिल जाए, आप यकीन करें इससे ज़्यादा तो और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। मैंने हस्बैंड को प्लेटर बना के दिया, आप यकीन करें बहुत खुश होकर उन्होंने खाया। साथ में इसके जाएगा सैलेड। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, मैं इंस्टाग्राम की आईडी है जो उनसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिएगा। मैं वहाँ पे जो उनसे डेली अपडेट देती रहती हूँ। इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट करेंगे धनिए के साथ, साथ में जाएगा दाल के ऊपर चाट मसाला। हमारी मज़ेदार सारी थाली तैयार है। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे कुछ चीज़ें लेके आए थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेके आ सके क्योंकि उनको जो मेल लगेज था उनमें उनके इंस्ट्रूमेंट थे जो उन्होंने साथ लेके जाने थे और वापस लेके आने थे, तो जितना वो ला सके तो वो लेके आए। यहाँ पे मेपल सिरप है जो कि कनाडा की सबसे मज़े की चीज़ है, लेकिन यकीन करें इतना एक्सपेंसिव। तो वह मैंने कहा पता नहीं इसमें क्या गोल्ड बिट्स डालते हैं। एनीवे ये इतनी सी बॉटल है जो उनसे तकरीबन $40 की आई है। कुछ यहाँ बच्चों के लिए चीज़ें थी, मेरी मिडल वाली बेटी है उसको डेस्क पे जो चीज़ें रखने का बहुत शौक है, तो ये वाली एक चीज़ थी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, खैर तो ये फेसेस चेंज करती थी, उसको इतना पसंद आया उसने ये फरमाइश करके हस्बैंड से मंगवाई है। हम बड़े वाली बेटी ने अपनी चीज़ें बाद में ओपन की थी, उसकी मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी। छोटी बेटी ने यहाँ पर कार्ड मंगवाई थी, उन्हीं के साथ ही प्ले कर रही है, उसने वेट नहीं किया कि मम्मी इसकी थोड़ी सारी वीडियो बना लें। साथ में यहाँ पर ये आई थिंक डेनिश कुकीज़ थी, बहुत मज़े की, ये भी हस्बैंड लेके आए थे, उनको इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ, कुछ चीज़ें क्या के मंगवाई थी मैंने, मुझे यहाँ से नहीं थी मिल रही हैं। ये वाली जो उनसे वॉल हैंगिंग है, आई थिंक वुड की हैं या मिक्स प्लाई के साथ बनी हुई हैं, तो मुझे ये बहुत अरसे से चाहिए थी। तो जब हस्बैंड शॉप पर गए तो मैंने वहाँ देखी, मैंने उनसे कहा जितनी भी तरह की आपको डिफरेंट तरह की मिलती हैं प्लीज़ वो बाय कर लें, क्योंकि डाइनिंग एरिया की एक वॉल है जो उनसे वो भी बिल्कुल खाली है, उसको मुझे डेकोरेट करना है और उसके लिए मुझे यही चीज़ें चाहिए थी। इसके साथ ये हैंग हो जाएंगी, इसीलिए आपको वॉल में होल नहीं करने पड़ेंगे, बहुत लाइट वेट होती हैं, लेकिन इनकी साइडों का कलर बहुत लाइट है। इनको मैं थोड़ा कलर करूँगी, जब सेट करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ये तकरीबन 6 डिफरेंट तरह की थी जो मैंने मंगवाई थी। और यहाँ पे ये वाला मेरे हस्बैंड मेरे लिए खुद लेके आए थे, मैंने कहा कि ना लेके आए, ये मुझे कोई बॉल के ऊपर इतना अच्छा नहीं, कहते हैं तुम्हारे किचन के लिए है, ये किचन में हैंग करना, जब ये हैंग करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।